हाँ भाई, सेकेंड ईयर। आप लोगों का जो कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम मतलब नाल तंत्र। जब हम बात करते हैं क्लास नाल तंत्र के बारे में, कल भी बताया था कि कितने होते हैं कैनाल सिस्टम, तीन है ना। तीन प्रकार के नाल तंत्र देखने के लिए मिलेंगे हमें। पहला फर्स्ट क्या था, एस्केनॉइड। ठीक है, सेकंड आपका साइकेनॉइड एंड थर्ड इज ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को कल बता ही दिया गया था, तो चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा आप लोग पास पास ड्रॉ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। हाँ भाई, कल बताया था कि एस्किनोइड कैनाल सिस्टम जो है वो सबसे आसान प्रकार का नाल तंत्र होता है। ठीक है, जिसमें जब हम बात करें आपके एस्किनोइड कैनाल सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, कल भी बात की थी कि जो कैनाल सिस्टम है इसमें यानी कि पॉरीफेरा के सदस्य में होता है ये। एस्कॉन किस में आता है, पॉरीफेरा के सदस्य में। तो इसमें छिद्र उपस्थित होते हैं और इनके छिद्रों को हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्टिया के नाम से। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये छिद्र बनाए हुए हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया कहें चाहे आप इन्हें, अगर सिंगुलर वे में कहना चाहते हैं तो ऑस्टियम। ठीक है, आप कहीं कहीं ऑस्टियम के नाम से भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये छिद्र जो है ऑस्टिया है। तो सबसे पहले जो पानी होता है वो इनके शरीर में, वो कैनाल सिस्टम है ना, नाल तंत्र जो है वो किस पर आधारित होगा, तो जल पर आधारित होगा। तो जल जो है सबसे पहले एंट्री करेगा तो इन्हीं छिद्रों में करेगा ना। तो मतलब जल जो है कहाँ जाएगा, ऑस्टिया से। ऑस्टिया से जल होते हुए यहाँ पर एक गुहा उपस्थित होती है। हम जानते हैं ना पॉरीफेरा के सदस्यों में गुहा उपस्थित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। अब चूंकि स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस में पाई जाने वाली गुहा, सील माने क्या होता है, गुहा। ठीक है, तो स्पंज में पाई जाने वाली गुहा को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो पानी जो है वो बाहर कहाँ जाएगा, पहले तो बाहर से ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से होता हुआ
ये इस टाइप से डायग्राम कुछ ड्रॉ किया हुआ है, बीच में से आप चाहें तो इसको इस तरह से हटाएंगे। तो यहाँ जो इसका मुख होता है कैनाल सिस्टम का, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑस्कुलम, ठीक है। तो जल स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए जल सबसे पहले कहाँ जाएगा, ऑस्टिया में, ऑस्टिया से ऑस्कुलम लिख दिया है, स्पॉन्जोसील आएगा पहले, गलती से लिख दिया सॉरी, ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना, ये तो सबसे आसान प्रकार का आपका कैनाल सिस्टम है। चलिए अब हम बात करेंगे एस्केनोइड कैनाल सिस्टम के बारे में। इसका डायग्राम ड्रॉ करें, चलो कर देंगे, समझ में आएगा।
देखिए क्लास, यहाँ आप यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट कैनाल सिस्टम के बारे में, मतलब साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। समझिएगा आप जरा, इसमें सबसे पहले जो जल है कहाँ प्रवेश करेगा, उन छिद्रों में, ठीक है, मतलब ऑस्टिया में प्रवेश करेगा। ऑस्टिया से जाता है आपका इनकरेंट कैनाल में, मतलब अंतर्वाही कैनाल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इनकरेंट कैनाल, जैसे ये जो संरचना बनाई थी ना, तो यहाँ पर ये प्रवेश करने के लिए यहाँ तो क्या होंगे, छिद्र होंगे। तो छिद्र के बाद का जो जगह होती है वो इनकरेंट कैनाल कहलाई जाती है, ठीक है। तो जल जो है वो ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल मतलब अंतर्वाही कैनाल, ठीक है। अब ये इनकरेंट कैनाल से जाता है सीधे रेडियल कैनाल में, कहाँ प्रवेश करेगा, ये रेडियल कैनाल में। देखिए यहाँ पर है आपका इनकरेंट कैनाल और इसके बाद में यहाँ आता है आपका रेडियल कैनाल, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अंतर्वाही कैनाल और रेडियल कैनाल, मतलब इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, ये दोनों बहुत पास पास संरचना उपस्थित होती है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल दोनों बहुत पास पास संरचना उपस्थित होती है, जैसे यहाँ पर आपका रेडियल है और यहाँ पर इनकरेंट है ना, ये दोनों संरचना बहुत पास पास उपस्थित होती है। तो इनके बीच में एक संरचना और पाई जाती है जो इस इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, इन दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक संरचना और पाई जाती है जो आपकी अंतर्वाही कैनाल और इस रेडियल कैनाल, अरियर कैनाल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अरियनाल, ठीक है, उन दोनों को आपस में जोड़ती है, उसे हम कहते हैं प्रोसोपाइल, ठीक है। तो अब जल जो है वो कैसे जाता है, आपका ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट, इनकरेंट से रेडियल, ठीक है। लेकिन रेडियल में जाने से पहले कहाँ जाएगा, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल, रेडियल से एपोपाइल, ठीक है, एपोपाइल से बहिर्वाही कैनाल मतलब एक्सकरेंट कैनाल होती है। जैसे रेडियल कैनाल पहुंची यहाँ पर, अभी इसका डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, आप अपनी बुक्स में जब देखेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको एक्सकरेंट कैनाल और दिखाई देती है जो इस रेडियल कैनाल के आगे की तरफ उपस्थित होती है, ठीक है। तो जल कहाँ जाएगा आपका, बहिर्वाही कैनाल में, बहिर्वाही कैनाल के बाद फिर यहाँ जो गुहा उपस्थित होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से इसके मुख में, मतलब ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से, क्लियर, ठीक है, सेकंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, सेकंड ईयर। देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं नाल तंत्र के बारे में, मतलब कैनाल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हमने सेकंड टाइप के नाल तंत्र की बात की है, ठीक, जिसमें सबसे पहले जल जो है कहाँ जाता है, ऑस्टिया में, ऑस्टिया मतलब जो छिद्र उपस्थित होते हैं पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में, ठीक है। तो ऑस्टिया में जाएगा, ऑस्टिया से अंतर्वाही कैनाल मतलब इनकरेंट कैनाल में, यहाँ ठीक, इनकरेंट कैनाल से जाता है रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल इसके जस्ट अंदर की तरफ उपस्थित होती है, ठीक है। अब चूंकि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल ये दोनों ही संरचना बहुत पास पास उपस्थित होती हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक संरचना और पाई जाती है जो क्या काम करती है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल, ठीक है। तो प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में जाएगा जल, एपोपाइल से बहिर्वाही कैनाल, बहिर्वाही से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर, ठीक। अब समझ में आ रहा है सेकंड ईयर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा, च
चलिए आगे बात करते हैं अब हम. यस गुड. पिंटू समझ नहीं आया बेटा? पिंटू समझ नहीं आया बेटा? क्योंकि इन बच्चों के थोड़े रिप्लाई आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है सुनकर भी. यस चलो गुड. नेक्स्ट अब आपका थर्ड कैनाल सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे जिसका क्या नाम है, ल्यूकेलॉइड नाल तंत्र. चलिए हाँ भाई, तो यहाँ हम बात कर रहे थे हम ल्यूकेनॉइड के बारे में.
हाँ भाई सेकंड ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सॉरी यहाँ हम बात कर रहे हैं ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के बारे में। इसमें सबसे पहले जो जल है वो कहाँ जाएगा? ऑस्टिया में। ऑस्टिया मतलब जो छिद्र उपस्थित होते हैं उसमें। ऑस्टिया से जाएगा इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट से जाता है प्रोसोपाइल। ठीक है, कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे इससे पहले एस्किनोइड में, हमने क्या पढ़ा था कि अंतर्वाही कैनाल से जाता था आपका अरीय कैनाल में, मतलब रेडियल कैनाल में। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होता है, अंतर्वाही से जाता है आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। यहाँ पर देखिए ये जो चैम्बर बने हुए हैं, दिस इज अ फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाने से पहले पानी कहाँ जाएगा? आपके प्रोसोपाइल में। ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था एस्केनोइड में कि इनकरेंट कैनाल से आपका रेडियल कैनाल में जाता था, तो बस यहाँ पर यही टर्म चेंज हुआ है कि यहाँ इनकरेंट कैनाल से कहाँ जाएगा? फ्लैजिलेटेड चैम्बर, कशाबकीय चैम्बर में जाएगा, और उससे पहले जल आपका प्रोसोपाइल से होता हुआ जाता है कशाबकीय चैम्बर में। ठीक है, और कशाबकीय चैम्बर से जाता है आपका एपोपाइल में, एपोपाइल से जाता है एक्सकरेंट कैनाल में। ये ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्टिया मौजूद थे। ऑस्टिया से देखिएगा पहले यहाँ सबसे बाहर की तरफ पानी जो है ऑस्टिया में जाएंगे, ऑस्टिया से इनकरेंट में, इनकरेंट से होता हुआ आपके प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच का जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं एपोपाइल। क्या नाम देते हैं हम उसे? हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल के बीच का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं एपोपाइल। तो एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल खुलता है आपका किसमें? स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर। ठीक है, तो इस तरह से ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम बनता है। ठीक है क्लास, समझ में आया ना सभी को? क्लियर है ना? चलिए, हाँ ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है बेटा? यहां आपका कंप्लीट होता है कैनाल सिस्टम। ठीक है, यस गुड। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी में सामाजिक संगठन के बारे में। अच्छा सेकंड ईयर, आप लोग पहले जरा रिज्वाइन कीजिए प्लीज़।